हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं TUI BCOM GST। अब फाइनली टैक्स का पेपर आ गया, डेट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स GST। और आपके इकोनॉमिक्स के पेपर भी काफ़ी अच्छे गए होंगे, जो इम्पोर्टेंस हमने दिया था वो सब ऑलमोस्ट आए थे। मार्केटिंग कॉमर्स के पेपर भी अच्छे गए होंगे, आज के पेपर्स वो भी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस सब आए थे। चलिए, तो मैं फ़िलहाल फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं TUI BCOM GST पेपर की, डेट इज़ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। आ जाइए। अब बच्चों, आपके पास टाइम कम है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा सुन लो, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट टू स्टडी, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्हाट टू स्टडी। चलिए, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुन लो। देखो, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में क्या क्या कवर करना है, एक चीज़ याद रख लेना दोस्तों। TUI BCOM में 100 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ट्राई करता है मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने का। वो लोग लाइक 10-10 मार्क का, 8-8 मार्क के, 5-5 मार्क के, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स से ही कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, ये पक्का कर लेना। हाँ, ज़्यादा एकदम टेक्निकली मत जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है कोई चैप्टर, ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स करने, स्किप मत करना। हाँ, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा टेक्निकल पेपर नहीं आएगा, पेपर बहुत सिंपल से, बस सारे चैप्टर्स कवर कर लो। चलिए, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आप ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स तो करना ही है आपको। 7 चैप्टर्स कौन से, सबसे पहले आप देख सकते हो बच्चों, ये 7 चैप्टर्स में हम लोग बात कर रहे हैं, डेट इज सबसे पहला एग्जम्प्ट सर्विसेज। आपको एग्जम्प्ट सर्विसेज के ऊपर दो टाइप, एग्जम्प्ट सर्विसेज के ऊपर सिंपल सा समाएगा बच्चों, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल वाले में अमाउंट लिखो, नॉट टैक्सेबल में अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। आपने ऐसा पढ़ा होगा एग्जम्प्ट सर्विसेज अच्छे से कर लेना। एग्जम्प्ट सर्विसेज में जैसे आप एग्रीकल्चर का कर लेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर लेना, देन उसके बाद आप रेंटिंग पार्ट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंटिंग पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद लाइक एजुकेशन कर लेना, कोचिंग क्लासेस, वो सब आपने देखा होगा। एग्जम्प्ट सर्विसेज कर ही लो सर, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूँ आपको सर, एग्जम्प्ट सर्विसेज के ऊपर कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 मार्क का सम आना ही आना है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा बेसिकली, वो एग्जम्प्ट सर्विसेज के ऊपर ही होगा। अच्छे से समझ लेना सर। कभी कभी वो लोग क्या लिखे रहते, वैल्यू ऑफ ऐसा बोलते, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मत समझना वो चैप्टर। ये लोग बोलने का मतलब है यहाँ पे टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल पूछेंगे आपसे, क्लियर है। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल के आइटम्स ये रहेंगे, वो आपसे पूछेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, दैट इज एग्जाम का दोनों ऑप्शन में आएगा, और करके 15-20 मार्क का और करके आएगा, मतलब ये करना ही है, आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद ITC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर दो टाइप का सम है, एक हम लोग ने ऐसा सम किया रहेगा IGST कॉलम, CGST, SGST वाला वो सम, और एक सिंपल सा कंसेप्ट सम होता है ITC अलाउड होगा कि नहीं होगा, कुछ आइटम्स ये होंगे ITC अलाउड होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। बस वो दो टाइप के सम्स है, अच्छे से कर लेना। ऑलमोस्ट ITC वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 मार्क दे देगा, कम से कम 10-15 मार्क तो ITC के ऊपर आना ही आना है, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई, बच्चा प्लेस ऑफ सप्लाई में 2 है, गुड्स और सर्विस, गुड्स है सर्विस वाला पार्ट है, ठीक है। आपको एक लाइन दिया रहेगा, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना, बस बात खलास, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है, और उसका रीज़न भी लिख देना हो सके तो। ऐसे ही सर्विस में 2 केस है, गुड्स का केस अलग है, सर्विस वाला अलग अलग है, तो दोनों टाइप के सम्स देख लेना, ठीक है। छोटे छोटे सम्स आएंगे, 7-7, 8-8 मार्क के सम्स आएंगे, मतलब देयर विल बी चांसेस ITC और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों कंबाइन में आएगा, मतलब 10 मार्क के या 8 मार्क के ITC के सम होंगे, 7-8 मार्क के प्लेस ऑफ सप्लाई के सम होंगे, ये दोनों कंबाइन होकर आएगा, और फिर से रिपीट होगा ITC प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
देर विल बी चांसेस एग्जाम सप्लाई के ऊपर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू पूरा एग्जाम सप्लाई के ऊपर रहेगा, उसके ऑप्शन में भी एग्जाम सप्लाई होगा, क्वेश्चन नंबर थ्री में ITC प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, उसके ऑप्शन में भी सेम टॉपिक, उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई वेरी सिंपल टॉपिक है सर, इतना सिंपल टॉपिक है ना बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, सारे खर्चे को ऐड करना है। अगर GST से टैक्सेस कुछ रिलेटेड होगा तो उसको उसको इंक्लूड नहीं करना है स्टेटमेंट में, डिस्काउंट को लेस करना है, और जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली उसको इग्नोर करना है, बस इतना ही है। अब सम करोगे तो आइडिया आ जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई दो टाइप का है बच्चों, गुड्स और सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई में भी ज़्यादा करके मूवमेंट नो मूवमेंट वाला केस वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा मूवमेंट नो मूवमेंट। सब टाइप के एक एक सम देख लेना, चार पांच ही दो टाइप है। और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस 30 डेज वाला कंडीशन, 30 डेज के अंदर इन्वाइस आया क्या वो चेक कर लेना। मतलब देयर विल बी चांसेस वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आएगा 15 मार्क, ऑप्शन में भी 15 मार्क का, फिर से ही रिपीट करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर टू एग्जाम सर्विस के ऊपर बनेगा, क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर टू एग्जाम सर्विस के ऊपर बनेगा, क्वेश्चन नंबर थ्री ITC एंड प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर बनेगा, क्वेश्चन नंबर फोर वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर बनेगा, क्वेश्चन नंबर फाइव कंपोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन के ऊपर बन सकता है। कंपोजिशन स्कीम सर, कंपोजिशन स्कीम के ऊपर इतने सिंपल समय ना, पूरे इसमें ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐड करने का, खाली RCM को इग्नोर करने का, सारे ऐड कर लो और देखने का 1.5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है तो उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। क्लियर है सर? मैं आपको एक गाइड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा शाम तक 7-8 बजे तक सारे चैप्टर में जो करक्स है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने लायक, वो मैं वीडियो लेके आऊँगा। मतलब मैं आज आपको 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ रिविज़न कंसेप्ट के लिए, तो थोड़ा आपका टाइम जाएगा 15-20 मिनट, लेकिन वो क्या काम आएगा आपको कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सेफ्टी के लिए ना बच्चों, में जो बोल रहा हूँ सुन लो, आपको समझ गया क्वेश्चन नंबर टू एग्जाम सप्लाई के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थ्री जो होगा ITC प्लेस ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन नंबर फोर वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन नंबर जो फाइव होगा कंपोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन के ऊपर सब बन सकता है। सेफ्टी के लिए RCM का सम्स देख लेना, छोटे मोटे कंसेप्ट है, और मिक्स अप्लाई का सेफ्टी के लिए, टाइम है तो देख लो मिक्स अप्लाई का, आपने मिक्स कंपोजिट सप्लाई मिक्स अप्लाई आपने देखा था, याद करो मिक्स अप्लाई वो चॉकलेट का बॉक्स या कोई गिफ्ट का बॉक्स, उसमें 5-6 आइटम है, तो जो हाई रेट होगा दैट इज़ अ मिक्स। कंपोजिट मतलब मेन प्रिंसिपल बिजनेस के ऊपर GST लगता है, ऐसा कुछ देखा था हमने, आपको याद होगा तो। वेरी क्लियर? तो आपको बेसिकली मोटे मोटे 7 चैप्टर्स करने प्रैक्टिकल, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल जाने की गरज नहीं है, सारे चैप्टर्स कर लो, दो दो तीन तीन चार चार सम सारी चीज़ों को कर लो, कंसेप्ट समझ लो। और मोस्ट ऑफ मैंने वीडियो बना के रखी है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में सर्च करोगे तो ठीक ठाक वीडियो मिल जाएगी, और मैं ट्राई करूँगा कुछ सबके दो दो सम के फटाफट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा रिविज़न फॉर्म के लिए आपके लिए। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, यस। अब ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का है सर, 20 मार्क कितना मैटर करता आपको मालूम नहीं है, 20 मार्क। तो पहला 10 मार्क का MCQ होगा ऑब्जेक्टिव, और 10 मार्क का देयर विल बी चांसेस ट्रू फॉल्स पूछ ले, मैच डॉट कॉलम पूछ ले। ये कहाँ से क्या करना है मालूम, दो पेपर कर लो, TY BCOM की 2 पेपर हुई है, दोनों पेपर्स कर लो ऑब्जेक्टिव, वो अच्छे से कर लो, और TY BAF के 2 पेपर है, TY BAF लेवल के, वो भी 2 पेपर के ऑब्जेक्टिव कर लो, ये 4 पेपर के ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लो, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। और मैं बोलूँ GST के ऑब्जेक्टिव कुछ भी अजीब अजीब नहीं आते, आपने जो सम्स किया है ना उसके बेस पे ही ऑब्जेक्टिव बनता है, आप आराम से करेक्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, मुझे मालूम है अभी टाइम उतना नहीं है आपका, नहीं होगा पढ़ के, बट कोई बात नहीं है सर, आप आराम से मैनेजेबल है, हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, वेरी क्लियर है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है गाइस? यस, आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना।
उसके बाद इम्पॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन, एक लास्ट टॉपिक बचता है इम्पॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन एटलीस्ट इतने सारे थियरी क्वेश्चन कर लूँ। मैंने चैनल भी यूट्यूब के बना थियरी बना के रखी हुई है, 10-10 मिनट की वीडियो देख लेना जैसे क्या क्या थियरी क्वेश्चन कवर करनी है। एटलीस्ट इतना कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है तो। बेनिफिट ऑफ GST, बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का थियरी देख लो। नहीं भी देखोगे कंसेप्ट मालूम है कंसेप्ट लिख देना। कंडीशन ऑफ ITC और टाइम लिमिट के ITC लेने का, ITC कब मिलेगा, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, इनवाइस आना चाहिए, गुड्स वही महीने में मिल जाना चाहिए, आप मैंने लिखवा के दिया रहेगा, आप पढ़ लो। टाइम लिमिट के ITC क्लेम करने का, ठीक है, सितंबर का जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है और आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया whichever is earlier, उसके पहले आपको करना है। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का थियरी देख लो। सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई अगर सप्लाई होगा तो GST आएगा, सप्लाई नहीं होगा तो GST नहीं लगेगा, तो सप्लाई का डेफिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई में सारे टाइप का सेल ले लो, सारे टाइप का सेल ऐड कर दो। कैजुअल सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल सप्लाई जो कभी कभी सर्विस देते हैं, सेक्शन 24 वेरी IMP है, अच्छे से देख लेना। मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन टर्नओवर का कंडीशन चेक करने की गरज नहीं है। सेक्शन 22 भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। सेक्शन 22 में आपको टर्नओवर का कंडीशन चेक करना पड़ता है, 40 लाख, गुड्स के लिए 40 लाख, सर्विस के लिए 20 लाख, अगर नॉर्मल राज्य होगा तो 40 लाख, 20 लाख, अगर कोई स्पेशल राज्य होगा तो 10-20 लाख को आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारी को मिलता है जिसका 1.5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, कंसिडरेशन गुड्स, बस इतने थ्योरी क्वेश्चन देख लो, इतने थ्योरी क्वेश्चन देख लो। सर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, GST पेपर में पैनिक होने की गरज नहीं है। आपने कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैं अभी भी बोलता हूँ बच्चा। हाँ, और एक चीज़, रजिस्ट्रेशन के ऊपर दो टाइप का समय, बच्चा मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना सर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर दो टाइप का समय, एक तो लिमिट चेक करने वाला 40 लाख 20 लाख कभी फुलफिल हो रहा है, और एक नॉर्मल सा समय आएगा टैक्सेबल है कि नहीं, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे कि नहीं लेंगे, कभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, ये देख ही लेना, ठीक है। मतलब आपको छोड़ना नहीं है सर, ये 1-7 सारी चीज़ों के दो दो सम करो, लेकिन कर लो, छोड़ना नहीं एक भी चैप्टर। और दिक्कत क्या ऑप्शंस में आते हैं, एग्जाम सर्विसेज के ऑप्शन में, एग्जाम सर्विस ITC के ऑप्शन में और प्लेस ऑफ सप्लाई के ऑप्शन में हुई, तो छोड़ना नहीं है, कर लेना, दो दो सम कर लो। मैं क्या बोला समझा, वेरी क्लियर है, इतना अच्छे से कवर करना है। कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई दे देने को फटाक से, वेरी क्विकली, और मेरे को जितना टाइम मिले मैं वेरी क्विकली वीडियो बनाता हूँ। कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप बोल देना, ठीक है बच्चों, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनको एक गाइड कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बेस्ट ऑफ लक।